हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश और वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब इस बार मैं लेके आया हूँ आपके लिए 3M का क्रीम वैक्स कार केयर किट, जो कि आप देख सकते हैं ये है। ये एक्चुअली कार को वैक्स करने के लिए, शाइन करने के लिए, पेंटेड सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं, इसे मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था 330 रुपीज़ में। ये आपको अमेजोन पे 400 से 450 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा। तो चलिए इसे खोल कर दिखाते हैं ये कैसा दिखता है। तो ये एक्चुअली एक टिन का बॉक्स होता है, जिसे आप इस तरह से खोल सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे एक्चुअली लास्ट 2 ईयर्स बिफोर ख़रीदा था। लास्ट 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इसकी ऑलमोस्ट ये फिनिश होने के लिए आ गई है। आप देख सकते हैं ये एक्चुअली क्रीम, वाइट क्रीम टाइप की होती है, इस टाइप की, ओके। जिसे आपको कार के सरफेस पे लगाना पड़ता है। इसे अप्लाई करने के लिए एक, इसके साथ एक एप्लीकेटर आता है, जो कि इस तरह का होता है। चूँकि ये बहुत पुराना हो गया है, इसलिए ये इस तरह का दिख रहा है। और ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म से बेसिकली आपको इस पर लगाना पड़ता है। लगा के इसे आपको अपनी कार के सरफेस पे सर्कुलर मोशन पर अप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसे कार पे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही मैं इसे आपको बाइक पर भी किस तरह से आप इसकी मदद से वैक्स कर सकते हैं पेंटेड सरफेस पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा कार है जो आप देख सकते हैं, ग्रैंड i10। और ये मेरी बाइक है, बजाज डोमिनार। मैं इन दोनों पर आपको वैक्स करके दिखाऊंगा। वैक्स करने के लिए जो और एक चीज़ चाहिए आपको, वो चाहिए ये क्लॉथ, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, जो आपको वैक्स को ड्राई होने के बाद में आपको इसके मदद से रब करके शाइन लानी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक क्लॉथ लेकर आप सरफेस को क्लीन कर लीजिए, ताकि जो भी डस्ट हो वो हट जाए, ओके। अब इसे क्लीन करने के बाद आप जो एप्लीकेटर दिया गया है, उस एप्लीकेटर को लीजिए। आप एप्लीकेटर को लेने के बाद एक हाथ में पकड़िए और किसी भी एक साइड से थोड़ा सा क्रीम आप इसके ऊपर ले लीजिए। लेने के बाद अब आप इसे सरफेस पे पहले इस तरह से लगा दीजिए। ज़रूरत अगर लगे तो थोड़ा सा और क्रीम ले लीजिए। क्रीम लगाने के तुरंत बाद ही फिर इसे आप सर्कुलर मोशन पे अप्लाई करना भी शुरू कर दीजिए। आपको बेसिकली इसका एक थिन लेयर इसके ऊपर बनाना है। अप्लाई करने के समय में ध्यान रखिए कि कहीं पर ज़्यादा नहीं रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं इस एरिया में वाइट जो वैक्स है वो थोड़ा ज़्यादा लग गया है। तो अगर ऐसा लगता है तो आप उसको तुरंत मिला दीजिए, पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली इसे अप्लाई कीजिए। चलिए, और इस तरह से ये अप्लाई हो गया, ओके। अप्लाई होने के बाद इसे आपको सूखने के लिए थोड़ा टाइम देना होगा। इसी बीच में मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप बाइक पे करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। फिर से थोड़ा सा आप वैक्स ले लीजिए। तो अब चलिए चलते हैं बाइक के पास। अब दोस्तों, ये बाइक है, आप देख सकते हैं। अब जैसा कि कार में जो मेरा कार था, कार का जो सरफेस है वो मेटल का था, जो पेंटेड था, लेकिन ये जो बजाज डोमिनार की जो ये टैंक है, ये एक्चुअली फाइबर की है, ये मेटल नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये मेटल नहीं है तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये फाइबर है, कोई भी सरफेस जो कि फाइबर है, पेंटेड है और शाइनी सरफेस है, उस पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी सप्लाई करने के समय में।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसे अप्लाई करता हूँ, तो आप अगर थोड़ा समय आपको नज़दीक ले जाऊँ, आप देख सकते हैं कि चूंकि इसमें बहुत जगह गैप्स है, तो जब आप अप्लाई करेंगे, अगर मैं आपको क्लोजली यहाँ पे दिखाऊं, तो होता क्या है कि अप्लाई करने के टाइम में अगर आप ज़रा सा भी केयरलेस रह जाएंगे तो इस गैप्स के अंदर आपका वैक्स चला जाएगा, और चूंकि वो सूखने के बाद चूंकि आप उसको माइक्रो फाइबर क्लॉथ से रब नहीं कर पाएंगे, तो वो वहाँ पे रह जाएगा, जो कि आपको वाइट एक स्टेन की तरह दिखाई देगा। आपको मैं दिखा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर भी ये हुआ, सीट के नीचे मैंने इस पर भी अप्लाई किया था, तो सीट के नीचे जब ये रह गया, मैं इसे रब नहीं कर पाया, तो वहाँ पे वाइट स्टेन की तरह ये रह जाता है। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि जब इसे आप अप्लाई करते हैं तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये गैप्स में ना जाए। तो इसलिए आपको करना क्या है, मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो इसमें भी वैसे ही है, आप थोड़ी थोड़ी हर जगह लगा दें, ज़्यादा लग जाए तो उसे तुरंत उसी से उठा लीजिए। और भी आप जैसे कि ये जो डोमिनार लिखा हुआ है, ये एक 3D प्रिंट, ये एक्चुअली एक 3D प्रिंट की तरह कट करके ये क्रोम है जो पेस्ट किया हुआ है, तो इसके बीच में भी अगर आपका चला जाता है तो ये वहाँ पर भी रह जाएगा। तो मैंने इस पे टैंक पे लगा दिया है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसके टैंक पे यहाँ पर ग्रिप है। अब इस ग्रिप पे भी लगाने के समय में आप ध्यान रखिए कि ग्रिप के ऊपर नहा ना लगे, ओके। और ये जो है ये प्लास्टिक का है, लेकिन ये शाइनी सरफेस नहीं है। इसको लगाने के बाद जल्दी से इसे मिला दीजिए, इसे सूखने से पहले आपको इसे मिला देना है। मिलाने के समय में ध्यान रखिए कि ये आपके सरफेस में अगर किसी तरह लग जाता है तो आप इसे अपने हाथों से, या साथ में आप एक कपड़ा रख सकते हैं, आप उस एक्सेस वैक्स को यहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो चलिए, ऑलमोस्ट हो गया। मैं आपको इसे एक साइड नहीं करके दिखा रहा हूँ, पूरे सरफेस पे भी नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये इस पे अप्लाई हो चुका है, तो चलिए इसे सूखने देते हैं। चलिए कार का देखते हैं, कार का क्या सिचुएशन है। तो ये है कि जैसा आप देख सकते हैं, ये भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। एक बार आपको क्लोज लुक दे देता हूँ, देखिए ड्राई होने के बाद आपको एक डिफरेंट एंगल से दिखाता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आए। तो ये देखिए, ड्राई होने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, नॉर्मल सरफेस इस तरह से शाइनी है दिख रहा है आपको, और ड्राई होने के बाद ये एक रफ सरफेस की तरह हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है, ओके, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। अब आप बहुत अच्छे से, यहाँ मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे अप्लाई नहीं है। इसे आप टच करके देख सकते हैं, अगर ये हक पे फिंगर पे नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ड्राई हो चुका है। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब चूँकि सूख चुका है, तो आप माइक्रो फाइबर क्लॉथ लें और इसे सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से रब करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप इसे रब करेंगे, तो रब करते के साथ ही साथ आपको साइन भी दिखने लगेगी। इसे आप सर्कुलर हाथों से रब करते रहिए, आपको ये ध्यान रखना है कि सूखने के समय पे आप इसको इनफ टाइम दें सूखने के लिए, नहीं तो आपको साइन जैसी आपको चाहिए वैसी साइन आपको नहीं मिलेगी। तो ये मैंने रब कर दिया है, रब करने के बाद आप देख सकते हैं ये सरफेस शाइनी हो गई है। अब चलिए बाइक के पास चलते हैं। बाइक में भी वैसे ही आपको सर्कुलर मोशन में उसे रब करना है, सर्कुलर मोशन में रब कीजिए, क्योंकि ये वैक्स की ही खासियत है कि आपका सरफेस मेटल का हो, प्लास्टिक का हो, उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो सरफेस
आपका पेंटेड है और अगर शाइनी सरफेस है तो आप उसे वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये चूँकि एक वैक्स है तो ये आपको एक टिंट लेयर बना देता है, जिससे होता क्या है कि नॉर्मल स्क्रैचेस जो होते हैं वो स्क्रैचेस को अवॉइड करता है। सरफेस शाइनी होने की वजह से इस पर जल्दी से कोई धूल भी नहीं बैठती है, और आपको बिना वैक्स किए आपको गाड़ी अगर समझ लीजिए 5 दिन चली जाती है, गंदी नहीं होती है, तो वैक्स करने के बाद वही व्हीकल आप 10 दिन 12 दिन के बाद भी आपकी सरफेस शाइनी लगती है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।